बाबा विश्वनाथ की नगरी और देश की धार्मिक राजधानी वाराणसी अब दुनिया के चुनिंदा स्मार्ट शहरों में शामिल होगी। भारत के प्रधानमंत्री के जापान पहुंचते ही दोनों देशों के बीच वाराणसी को परंपरा आधुनिकता का संगम बनाने के लिए करार हुआ है। टोरंटो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी टोरंटो हिंदुस्तान के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन क्षेत्रों में भी हम मिलकर के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं जापान की स्मार्ट सिटी क्योटो को और कैसे क्योटो अपनी परंपराओं के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। क्योटो की बात करें तो क्योटो न केवल खूबसूरत है बल्कि तमाम तरह की जो इंडस्ट्री है, मार्केट्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं विदेश के अलग अलग हिस्सों से। जापान के लिहाज से बात करें तो क्योटो जापान की जो परंपरागत जो आर्ट है उसका एक केंद्र है। जहाँ तक नजर जाती है पूरा का पूरा क्योटो शहर साफ सुथरा नजर आता है। सड़कों पर मजाल है कि आपको धूल का एक कण भी मिल जाए और सफाई के इस काम में सरकार ही नहीं क्योटो शहर के निवासी भी पूरा सहयोग करते हैं। 15 लाख की आबादी वाला क्योटो अनगिनत ऐतिहासिक धरोहरों को सजे हुए है। शहर में 1600 बौद्ध मंदिर और 400 श्राइन है। परिवहन की बात करें तो जापान की पुरानी राजधानी क्योटो वर्तमान राजधानी टोक्यो के साथ जापान के प्रमुख शहरों से बुलेट ट्रेन के माध्यम से जुड़ा है। क्योटो में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन है जिसके चलते शहर की सड़कों पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त वाहन फर्राटा भरते हैं। 2400 घंटे मिलने वाली बिजली शहर की सुविधाओं में इजाफा करती है। परंपरा के साथ टेक्नोलॉजी का अद्भुत जोड़ है क्योटो शहर। अमेरिका की एक मैगजीन ने जापान के क्योटो को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर का दर्जा दिया है। यही कारण है कि एशिया से लेकर यूरोप तक के लोग जब जापान जाते हैं तो क्योटो शहर का भ्रमण करना नहीं भूलते। बहरहाल अब आने वाले समय में क्योटो की तर्ज पर प्रधानमंत्री की कर्म भूमि काशी भी आपको ऐसे ही जगमगाती दिखाई देगी। नीरज सिंह, DD News, क्योटो, जापान।